जैसे कि आप सभी लोगों को बता दें कि छत्तीसगढ़ में फिर से बम्पर वैकेंसी आई हुई हैं, जहां पर कृषि विभाग से लेकर के आपके उच्च शिक्षा विभाग तक के सारे वैकेंसियों के लिए दोस्तों यहां पर विज्ञापन जारी हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से पोस्ट है, कब तक आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारी के लिए वीडियो को ध्यान से देखिए आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अपडेट्स हमारे चैनल पर रेगुलर आते हैं विज्ञापन से रिलेटेड। तो यहाँ पर एक बार कृषि वैज्ञानिक इंजीनियर से लेकर के दोस्तों वृद्ध तक की होगी यहाँ पर भर्ती। कृषि विभाग ने निकाली 500 से ज्यादा पदों पर दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी। जुलाई में शुरू हो सकती है भर्ती प्रक्रिया, शुरू है कितनी जल्दी होगी। तो यहाँ पर कृषि विभाग की ओर से दोस्तों प्रदेश में बड़ी भर्ती की तैयारी की जाएगी, जहाँ पर 500 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। जानकारी के अनुसार बता दें कि इन भर्तियों के लिए शासन से मंजूरी मिल चुकी है, और कई पदों के लिए दोस्तों व्यापम ने परीक्षा भी लेगी। और उसी के साथ साथ जबकि कई पदों के लिए दोस्तों जो कृषि विभाग की ओर से जिला स्तर पर आवेदन मंगाए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बता दें कि कृषि वैज्ञानिक से लेकर इंजीनियर तक के पद रहेंगे, और सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। सब कुछ ठीक का मतलब हो रहा है कि अगर चुनाव में अगर किसी कारण से डिले ना हो या कोई दूसरा चीज़ ना आए, दूसरे फैक्टर्स इफेक्ट ना करें, तो जल्दी ये जो भर्ती की नियुक्ति है वो कन्फर्म होगी। जानकारी के अनुसार बता दें कृषि विभाग में दोस्तों नई नियुक्तियों के ब्लॉक से लेकर के जिला और संभाग स्तर तक निकाली जाएगी, जिसके लिए प्रक्रिया जो है जुलाई में शुरू होगी। और सरगुजा में कृषि विभाग उर्वरक गुणवत्ता से परीक्षण नामक पदों पर दोस्तों सृजन किया जाएगा। इसमें सहायक संचालन से दोस्तों कृषि बहुत सारे ऐसे पद हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा लेकिन ये कम नहीं होने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस प्रकार से थे दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा जिला स्तर, संभाग स्तर और आपके उससे भी और कृषि विभाग के स्तर और उर्वरक गुणवत्ता परीक्षण, इन सभी के लिए वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर, सबके लिए आ सकता है ये मे बी, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी वालों के लिए और केमिस्ट्री वालों के लिए भी है, ठीक है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सबके लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ आ सकती हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट वालों के लिए। ब्लॉक स्तर पर निकाले जाएंगे दोस्तों 246 आवेदन की वैकेंसी, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ पहले निकाली थे दोस्तों कृषि विस्तारक अधिकारी की भर्ती। आप सभी को पता है इसका हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने दिया था। यहाँ पर कहा कितना वैकेंसी, तो 12 जो है सरगुजा विभाग में लिखेगा, वही जो 16 है दुर्ग सरगुजा कृषि में अभियांत्रिकी कार्य के लिए लगेगा, और जो 29 है वो कृषि अभियांत्रिकी संचालन, और 182 जो होती है वो 7 जिलों में सहायक कृषि के मंत्री की जो कार्यालय होंगे उनके लिए होंगे। और 246 देख पा रहे हैं विकास खंड स्तर पे रहेंगे, ठीक है, उद्योगी विस्तार के लिए। और साथ साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो SI जो प्लाटून कमांडर की जो भर्ती को लेकर के दोस्तों जो 6 सालों से लंबित पड़ा हुआ था, मतलब 6 साल से पेज अटका हुआ था, अब वो हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। 2018 में ये भर्ती की सुनवाई की प्रक्रिया की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे अपडेट थे, अब उसमें दोस्तों सारे चीज़ मामला साफ हो चुका है, ठीक है। SI वालों को, SI वाले के लिए दोस्तों 90 दिन का समय दिया गया है, हाईकोर्ट के द्वारा आदेश आ चुका है, ठीक है। और जो प्लाटून कमांडर के लिए 45 दिन का समय हाईकोर्ट ने दिया है, ठीक है। वहीं साथ ही साथ उच्च शिक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं विभाग द्वारा दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों हेतु दोस्तों शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था 12/10/2023 से 10/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। शासन के निर्देश अनुसार जो विज्ञापित पदों के लिए प्राप्त आवेदन पर भर्ती का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा किया जाएगा, तो इसके लिए आवेदन किया जाएगा, ठीक है। आवेदन क्रमांक आपके वेबसाइट में प्रमाणित करना अनिवार्य होगा, ठीक है। समय सीमा से पहले अपने आवेदन पत्र को व्यापम की वेबसाइट पर प्रमाणित करना होगा, मतलब कि आपका जो आवेदन पत्र है उसमें एक रोल नंबर जैसा नंबर होगा, उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि वही बंदा है जो आवेदन किया था, है ना। आवेदक को अपने आवेदन में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं, मतलब अधिकार नहीं होगा करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर सारी चीज़ देख पा रहे हैं, आचार संहिता के कारण से ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। आवेदक आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात विभाग एवं व्यापम की वेबसाइट पर निरंतर अवलोकन करते रहें, और विज्ञापन जारी सभी निर्देश एवं शर्तें यथावत रहेंगी। तो इस प्रकार से थे, यहाँ पर दिख पा रहे हैं सील साइन है। तो इस प्रकार से सारे अपडेट है दोस्तों आज के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अपडेट और करंट अफेयर्स ऐसे ही सारे हमारे चैनल पर जो हैं आपके परीक्षा के रिलेटेड व्यापन से रिलेटेड सारे अपडेट्स आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए आपके भाई बहन दोस्तों तक।